हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इनक्रेडिबल गेमिंग यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, आज मेरे पास इंडियन गेमिंग कम्युनिटी से रिलेटेड बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज है आप सभी लोगों के लिए, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अपनी पहली न्यूज आ रही है गाइज वाइल्ड रिफ्ट गेम को लेकर। तो गाइज, वाइल्ड रिफ्ट गेम नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में मार्च के अंदर लॉन्च होने वाला है, बट इंडिया के लिए अभी भी कोई भी रिलीज डेट नहीं आई है। तो लेट्स सी कि इंडिया के अंदर वाइल्ड रिफ्ट गेम कब तक लॉन्च होता है। अपनी अगली न्यूज है गाइज गैलेक्सी रेसर इंडिया को लेकर। तो गाइज, गैलेक्सी रेसर इंडिया ने इंस्टाग्राम पर बताया कि उनकी एक न्यू लाइनअप आने वाली है, और वो जो न्यू लाइनअप पे वो न्यू कॉम्पिटेटिव मोबाइल गेम के लिए होने वाली है। तो लेट्स सी कि गैलेक्सी रेसर इंडिया कौन से कॉम्पिटेटिव मोबाइल गेम के अंदर एंटर करने वाली है। अपनी अगली न्यूज है पीएमसीओ 2021 को लेके। तो गाइस, पीएमसीओ 2021 के अंदर टूर्नामेंट के अंदर विकेंडी मैप को हटा दिया। सभी को पता ही है क्योंकि विकेंडी मैप बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। स्टार्टिंग के 4-5 जोन तक तो कोई भी फाइट नहीं होती क्योंकि बहुत सारे घर है वहां पे आसपास, इसीलिए तो विकेंडी मैप को हटा दिया। तो ये हो सकता है कि सारे के सारे पबजी मोबाइल के ऑफिशियल अपकमिंग इवेंट्स जो भी होंगे उनके अंदर भी विकेंडी मैप को हटा दे। तो अपनी अगली न्यूज है सांगवान को लेके। तो सांगवान ने बताया कि वो 5 फोन्स का गिव अवे करने वाले हैं, और जो भी रूल्स होंगे उसके लिए वो एक अलग से वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे। और उन्होंने बताया कि जो विनर सेलेक्ट होगा वो उनके FB पेज से सेलेक्ट होगा। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप सांगवान की रूल्स वाली वीडियो का वेट कर सकते हो और पार्टिसिपेट कर सकते हो। अपनी अगली न्यूज है थक को लेके। तो थक ने बताया कि थक 2.0 का रिवील बहुत जल्द होने वाला है। तो लेट्स सी कि थक 2.0 कब तक रिवील होता है और क्या यूनिक होता है थक 2.0 के अंदर। अपनी अगली न्यूज़ गाइस यूडू गैंग को लेके। तो गाइस, यूडू गैंग का जो लाइनअप था वो डिसबैंड हो चुका है, तो प्लेयर ने यूडू को लीव कर दिया है। अगली न्यूज़ गाइस SE12 ई-स्पोर्ट्स को लेके। तो गाइस, मैंने आपको बहुत समय पहले बताया था कि जो SE12 है वो फ्री फायर के अंदर भी उनकी लाइनअप एंटर हो चुकी है, बस रिवील नहीं हुई है। तो गाइस, SE12 की भी फ्री फायर की लाइनअप रिवील हो गई है, वो मैं आप सभी को बताता हूं। तो मॉर्टल के साथ जो फ्री फायर के प्लेयर्स है जो टाइटन इन्विटेशनल क्लब खेलने वाले वो है RDP, लॉर्ड राज, मार्टिन एंड VK। गाइस, मॉर्टल के अलावा जो बाकी प्लेयर से यही मेन लाइनअप है फ्री फायर की। नेक्स्ट गाइस, पबजी मोबाइल इंडिया को लेके। तो गाइस, पबजी मोबाइल इंडिया से रिलेटेड जो भी लीक्स आ रहे हैं वो मैं आप सभी को बता देता हूं। तो गाइस, न्यूज़ ये आ रही है कि जो पबजी मोबाइल इंडिया है उसका कोई अनाउंसमेंट आने वाली है 15 से लेकर 19 जनवरी के बीच में, और वो अनाउंसमेंट हो सकती है एक नया ट्रेलर भी हो। गाइस, बहुत सारे आर्टिकल इस चीज को कवर कर रहे हैं कि 15 से 19 जनवरी को एक नया ट्रेलर आने वाला है। टेक्निकल गुरुजी ने भी बोला था कि ये हो सकता है कि ट्रेलर आए, और क्रॉन्टन ने भी इस पे रिएक्ट किया, और क्रॉन्टन ने बोला कि हो सकता है कि 15 से 19 जनवरी के बीच में एक ट्रेलर आए, क्योंकि पबजी वाले अब कुछ भी कर सकते हैं पबजी को लाने के लिए। जहां तक मेरे को लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा ट्रेलर, तो मेरे को तो नहीं लगता कि ट्रेलर आएगा। बस ये मैक्सटन ने जो ट्वीट किया था उसके ऊपर ही सब अपने अपने अजम्पशंस दे रहे हैं। आप सभी को क्या लगता है कि 15 से 19 जनवरी के बीच में कुछ अनाउंसमेंट होगी या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरे को जहां तक लगता है कि 26 दिसंबर को 4G आएगा, और जो भी होगा वो उसके बाद ही होगा पबजी से रिलेटेड। वो भी क्रॉन्टन को लेकर। तो क्रॉन्टन से पूछा गया कि पबजी मोबाइल जनवरी के अंदर आएगा या नहीं, तो क्रॉन्टन ने बोला कि उनको नहीं पता कि पबजी मोबाइल जैन के अंदर आएगा या नहीं आएगा। क्रॉन्टन ने बोला कि बहुत ही जल्द आएगा, और क्रॉन्टन ने फिर ये भी बोला कि 4G से पहले तो उनको नहीं लगता कि 4G आने से पहले तो PUBG मोबाइल की कोई भी अनाउंसमेंट या PUBG मोबाइल खुद आएगा। तो लेट्स सी कि PUBG मोबाइल कब तक आता है। नेक्स्ट गाइस, थक को लेके। तो गाइस, थक का रूम सेटअप टूर वीडियो आ गया उनके चैनल पे। तो गाइस, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सेटअप रूम है थक का। नेक्स्ट गाइस, फ्री फायर वर्सेस PUBG को लेके। तो गाइस, दो वीडियो से मैं इस न्यूज को कवर कर रहा हूं। आप सभी को पता ही है कि ये मोटोरोला और स्काउट की टीम आने वाली है फ्री फायर इन्विटेशनल क्लब के अंदर। तो गाइस, इसी पे फ्री फायर के कुछ प्लेयर्स और टीम्स ऑफेंड हो चुकी है क्योंकि उनका कोई भी अचीवमेंट नहीं है, फिर भी उनको इनवाइट किया है। तो इसी पे टू साइडेड गेमर्स ने कुछ इंस्टा स्टोरी शेयर्स करी। तो किसी ने लिखा था कि ऋतिक टिकटॉकर बन रहे हो, तो उन्होंने बोला क्योंकि फ्री फायर वाले पबजी को इंस्टाग्राम वाले टिकटॉकर को ही भाव देते हैं। और सेकंड स्टोरी उन्होंने ये शेयर की, उन्होंने उसमें ये लिखा था किसी ने, उन टीम्स को एटलीस्ट इन्वाइट करो जिन्होंने 24/7 उस गेम को दिया हो, मेहनत दी हो। उन टीम्स को इनवाइट मत करो जो गेम बिल्कुल भी डिजर्व नहीं खेलती, ना ही कोई उनमें अचीवमेंट है, फिर भी उनको आप इनवाइट कर रहे हो। तो गाइस, आप सभी का क्या सोचना है इसके ऊपर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको पूरी चीज जाननी है तो मैं नीचे अपनी पुरानी दो वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से पूरा सिनेरियो समझ सकते हो। न्यूज़ गाइस मामा को लेके। तो गाइस, मामा ने अपडेट दिया कि वो अभी अपने घर आ चुके हैं, उनको 3 दिन हो गए हैं, और वो भी बूट कैंप नहीं जाने वाले हैं। और मामा ने बोला कि वो खुद का गेमिंग रूम बनवाएंगे इन फ्यूचर अपने, जहाँ पे उनका मेन घर है। तो यही थी आज के लिए कुछ इंडियन गेमिंग कम्युनिटी न्यूज़ में। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो बहुत ज़रा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर डेली गेमिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स। तो गाइस, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन स्प्रेड पॉजिटिविटी।